दोनों सिरों को काटा मैंने, दसवां बलि चढ़ाया है, तब शंकर की भक्ति का वरदान मैंने पाया। क्या बात है, मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा इतना होगा संसार में दूजा, अपने सिरों को काट के मैंने शंकर को अर्पण किया। क्या बात है। जो वहाँ पे वो लगा रखे हैं ये आपने बनाए हैं सारे? ये सारे आपके बच्चे हैं? सारे हेल्प कराते हैं? अच्छा, चलो बढ़िया है। सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ से आती है? अच्छा, एक रावण अगर बोलूं पूरा पेंट से लेकर पूरा ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हो कितने टाइम लगता है? एक रावण इसके अंदर कम से कम तो एक रावण के अंदर 15 दिन लगेगा। एक और सवाल, ये कितने का बेचते हो एक रावण? ये हमारा 500 रुपए फुट के हिसाब से। अच्छा, अब तक का सबसे बड़ा रावण कौन सा था जो आपने बनाया? 65 फुट का। दिल्ली के अंदर जो रावण बनते हैं, ये रावण की सबसे बड़ी मार्केट है यहाँ पर। छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे रावण, ये देखिए जो है इन्होंने ग्रीन ब्लू पिंक कलर के स्कर्ट बना रखी है, और ऊपर जो है एक बहुत सुंदर सा बहुत प्यारा सा बच्चों ने जो है ढांचा तैयार किया है। तो इस वक्त हम आए हैं महेंद्र एंड सुभाष मशहूर रावण वाले के पास, जहाँ पे तरह तरह के रावण बनते आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो है अलग अलग स्ट्रक्चर लगा रखा है, उसके ऊपर कागज लगा रखे है। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि इनके जो रावण है वो रामायण होती है वहाँ भी जो है काम आते हैं, अलग अलग फुट के जो है रावण बनाते हैं यहाँ पे। आइए लोगों से बात करते हैं, कारीगरों से बात करते हैं कि उन्हें एक रावण बनाने में कितना टाइम लगा। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है टैगोर गार्डन में। यहाँ पे जो है काफ़ी सारे रावण की तैयारियाँ हमें दिख रही है। उस साइड आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो है मुकुट टाइप लोगों ने बनाए हैं, और पीछे देख सकते हैं आप यहाँ पे बच्चे जो है प्रिपेयर कर रहे हैं प्रिपरेशन। छोटे बच्चे जो है लगे हुए हैं कि मम्मी वहाँ बैठी है उनको सिखा रही है। आइए यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, कैमरा पर्सन दिखाइए, यहाँ पे जो है रावण का मुंह बन रहा है। धीरे धीरे करके कागज लगाते हैं। आइए अंकल से बात करते हैं, कितना टाइम लगता हो जी अंकल? एक रावण बनाने में कितना टाइम लगता है? रावण बनाने में 1.5 महीना लगता है। 1 महीना लगता है? अब तक कितने बना चुके? 15 बना चुके हो? क्या बात है, क्या स्पीड से काम कर रहे हो। अच्छा, आप क्या कर रहे हो अभी? तो मैं लगा रहे हैं। हाँ, कब से काम शुरू कर रहे हैं? हम तो अपना ये प्रबंधन के बाद काम से बोलता है। अच्छा, दशहरा हो जाएगा सारा? दशहरा हो जाएगा सारा? खत्म तो होना चाहिए दशहरा तक, दशहरा के बाद तक तो चलेगा नहीं। क्या लगता है हर साल रावण क्यों बनाते हैं लोग, जलाते हैं फिर हर बार? आप तो रावण बनाते हैं ना जी, क्या लगता है हर साल क्यों जलते हैं रावण? भाई जीत के जिले जलते हैं रावण। हो, किसकी जीत पे? बुराई पर अच्छाई की। हर साल बुराई आ जाती है भाई, क्या करें, और इस टाइम तो बुराई चली थी। हाँ, हर साल तो क्या आती है, इस टाइम तो हाँ चलेंगे बुराई पर। और कोई कैरेक्टर बनाते हो? राम सीता संजय राम बनाते हो? और कौन? अरे पास बताओ, राम क्यों बनाएंगे? रावण होगा नहीं, आप सिर्फ यही काम करते हो रावण बनाने का? और कोई विभीषण और क्या, और कोई एक और कैरेक्टर के नाम क्या होता है? हाँ बताओ, तीन जो खड़े होते हैं वहाँ पे क्या क्या नाम होते हैं उनके? उनका नाम होता है रावण। हाँ, और कुंभकर्ण मेघनाद, तीनों। अच्छा, एक बात बताओ, हर साल रावण बना के जलाए क्यों जाते हैं? हर साल जन्म लेते हैं ये तो।
से ताकतवर कोई है नहीं। हर साल जन्म ले गया, हर साल अपना जन्म लेना है, हर साल जन्मना है इसने, हर साल जिंदा होना, हर साल मरना है। कोई ऐसा जो साल में एक बार भी इतना बड़ा हो के और मरता भी है, जीवित भी रहता है और फिर जल्दी जाता है, ऐसा तो नहीं है ना कोई? हर साल बुराई आती है, हर साल जन्म लेने से पहले ही मर जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कई जगह पे जो रावण को पूजा भी जाता है। आप पूजा जाता है? क्यों पूजा जाता है? रावण खड़ा करने के बाद में मौत से तो ऐसे करते जैसे खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद में उसकी पूजा करते हैं, जो बत्ती करते हैं सब उसको धूपबत्ती करते हैं, जो उनसे होता है फल फ्रूट या भोजन जैसा भी होता है वो उनको अर्पित करते हैं। जहाँ भी अब जिसकी मानता होगी वो तो करेगा ही, वो समझेगा भावना को, जो समझेगा वो तो करेगा, जो नहीं समझेगा वो कुछ नहीं करेगा, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। कोई जब पत्थर को पूजोगे तो भगवान ने, ना पूजो तो फिर कोई भी ठोकर मार के चला जाता है। अच्छा, ये सप्लाई कहाँ होती है इसकी? सप्लाई कहीं भी जो भी लेके जाता है, जैसे कस्टमर आते हैं, कोई नोएडा का हो गया, कोई बाहर से आ गया, कोई गाजियाबाद का हो, कोई दिल्ली का हो गया, यूपी का हो गया, जहाँ जिस जैसे भी कस्टमर आ गया वैसे पे उसको हम। सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ से आती है? नोएडा की साइड से ही साइड से आती है, और साउथ से भी आती है, और बाहर भी गए हैं हमारे, मुंबई में, कलकत्ते में, ऐसे बेंगलोर में भी, बेंगलोर तक गए हैं हमारे। बहुत बड़ी पहुंच है आपकी। अच्छा, आपके हेड कहाँ है? वो भी गए हैं सामान लेने के, हम भी हेड ही। अच्छा, आप हैं सबके हेड? अच्छा, ये छोटा भाई है, मैं बड़ा भाई हूँ, पिता भी हमारे गए। अच्छा, एक रावण अगर बोलूं पूरा पेंट से लेकर पूरा ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हो, कितने टाइम लगता है एक रावण को? इसके अंदर कम से कम तो एक रावण के अंदर 15 दिन लगेगा, अगर जो एक ही रेगुलर एक ही करेगा तो, नहीं तो अब ज्यादा लेबर चाहिए होती है तो ज्यादा बनेंगे, कम होएंगे तो कर। अब हम कितने, 3 बंदे हैं, एक ये है एक वे, 3 बंदों ने 15 रावण बनाए, महीना हो गया हमारे, बहुत रात दिन लगते रहते गिनते रहते हैं काम का, यही है। क्या लगता है दशहरा तक कितने कवर किया, टास्क रखा है? 15 है, 15 15 हमारे कम्प्लीट है, कागज लगाने बाकी रह रहे हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं यहाँ पे नहीं कपड़े लगा रखे, ये कपड़े क्यों लगा रखे? ये छाती पे है ना। अच्छा, ये छाती है, ये वो है, इसको अपन छाती के ऊपर मुंह लगा जाएगा, नीचे का अलग होता है इसकी पोजिशन, फिर पैर अलग होते हैं, हाथ अलग होते हैं, मुकुट अलग होता है, वो इस पे अब धोती लगने के बाद में अब कागज लगे जाएगा, फिर डेकोरेट होएगा, ये डेकोरेट होने के बाद फिर जाए। अच्छा, डेकोरेट भी आप ही करते हैं? मजा आता है काम करने में? ये तो बिजनेस है अपना, तो बिजनेस है, हर साल करना है हमने तो, ये तो है नहीं कि एक बार करके। एक और सवाल, ये कितने का बेचते हो एक रावण? ये हमारा 500 रुपये फुट के हिसाब से, 500 रुपये फुट से हमारे पास 50 फुट तक का है, 50-60 का, उससे 5 फुट से लेके और 50 फुट तक। अब जो ज्यादा डिमांड करता है कि भाई ज्यादा बड़ा चाहिए तो उसके लिए फिर ज्यादा बन जाता। अच्छा, अब तक का सबसे बड़ा रावण कौन सा था जो आपने बनाया था? 65 फुट का। कहाँ का था वो, कहाँ सप्लाई की? ये तो हर साल जाते हैं कि अब तक कहाँ जा रहा, कहाँ नहीं जा रहा, अब हमारे को तो नहीं पता होता ना, बिल बुक में रहता है, जो हमारे बैठ से हैं बड़े वो अपने आप बिल बुक में नोट करते हैं कहाँ जाते हैं, हमने तो अपना नाम मिलता हुआ। हाँ, तो गर्मी है, बिल्कुल बिल्कुल, आइए और दिखाते हैं। ये रावण की ताज है सिर की, इसको बनाने में खाली 2 मिनट लगते हैं हमारे को, बना के तैयार कर देते हैं, सारा दिन में तो जैसे कि 20-25 ताज भी हाथ पैर भी बना देते हैं। अच्छा, छोटे बच्चे लगे हुए हैं यहाँ पे हेल्प कर, सारे हेल्प कर रहे हैं, कोई कागज पकड़वा रहा है, कोई चिपका रहा है, ऐसे हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, तो मुकुट बनाने में 2 मिनट लगते हैं, और रावण बनाने में? ये रावण बनाने में तो सारा दिन लगता है, क्योंकि इसकी मुंडी बनाई जाती है, हाथ बनाए जाते हैं, पैर बनाया जाता है, धड़, घाघरा, फिर उसमें धोती चढ़ाई जाती है, ऐसे सारा दिन लगता है रावण में। रावण लगते हैं एक पूरा रावण बनाने में? हाँ, रात दिन लग जाता है, 8 दिन लगता है, रात दिन लगाना पड़ता, तब ये मुंडी और ये धड़, ये पैर, घाघरा सब बनता है। अब तक का सबसे बड़ा रावण कौन सा बनाया? सजाने के जब तक 9 रात आ जाते तब तक सजाना पड़ता है, बना हुआ है आगे, लगा हुआ है वो? हाँ, वो पूरा बना हुआ है आगे, उस पर तैयार कर रहे हैं, जैसे कि धोती होती लगा के ना तैयार कर रहे हैं उसको। हाँ, क्या लगता है दशहरा हर बार आता है, हर बार रावण जलाया जाता है, क्यों भाई जलाया जाता है? रावण और क्या है, कहते हैं ना सुनने के लिए तो जिंदा है, पर राम के लिए मर गए, देख के चले जाते हैं।
अच्छा ये त्यौहार राई अगर आती है हिंदू के लिए त्यौहार है। चलिए शुक्रिया। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे रावण का घर पड़ा हुआ है जो इन्होंने लकड़ी बांस की लकड़ियों से उन्हें तैयार किए हैं, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कपड़े से इसे जो है कवर किया गया है ताकि आगे जाते ही इसके ऊपर लेयर्स पे लेयर्स लगाएं। अच्छा रावण का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, लेकिन इसको जो क्राफ्ट का जो काम होता है, जो इन पे मोती वगैरह लगाने का काम होता है, वो भी यही लोग करते हैं। आइए इनसे जानते हैं। बताओ कर्मा पे नहीं है दशहरा में क्या करते हैं? दशहरा में क्या करते हैं? दशहरा में रावण तो चलाती है। क्यों चलाते हैं? क्योंकि उसने माता जी को उठाया था। पाया वो माता जी के दादा सीता को उठाया था उन्होंने, इसलिए। कैसा लग रहा है देखकर? सुंदर लग रही है? रावण कैसे लग रहे हैं मतलब? बताओ सुंदर लग रहा है? वहाँ खड़े हो इधर भाग गई गुड़िया भाग गई है। रावण कैसे लग रहे हैं? अच्छा। सभी खुद बनाया रावण छोटे सा? हमने तो बहुत बनाया बचपन में छोटे छोटे रावण। कभी रावण चलते देखा है? नहीं देखा। कौन मारता है रावण को? तीर कौन मारता है? क्यों मारते हैं? क्यों मारते हैं? क्योंकि उन्होंने सीता मैया जी को उठाया। गलत काम किया था? हाँ? गलत काम किया था। दशहरा में किसके साथ जाते हो? पापा के साथ मजे आते हैं? मम्मा के साथ जाते हो? पापा मजा आते हैं मेला में? मजा आता है। चलो बहुत बढ़िया। मेरी शक्ल से भी बड़ा जो है रावण का यहाँ पे सिर आप देख सकते हैं। कंवरजीत सिंह नाम है मेरा जी। हम इस वक्त खड़े हैं टैगोर गार्डन पर। ये दिल्ली के अंदर जो रावण बनते हैं, ये रावण की सबसे बड़ी मार्केट है यहाँ पर। यहाँ पर इस एरिया में काफी आगे तक पीछे भी रावण की बहुत बिक्री है। बहुत दूर दूर से यहाँ रावण लेने आते हैं और कई साल से 25 साल से हम देख रहे हैं। रावण खरीदने आए? रावण खरीदने हम देखने आए ना अपनी उसके सोसाइटी के लिए बुक कराने आए। अच्छा हाँ जी हाँ जी। अच्छा अब तक का सबसे बड़ा रावण हमने कहीं देखा है? वो मैडम वो तो वही होता है ना रामला ग्राउंड में, वो जो कहते हैं 50 फुट का होता है कितने का होता है, हम तो वहाँ जाते हैं, वहाँ भीड़ होती है ना, तो हमने कॉलोनीज में बनाते हैं। अच्छा क्या लगता है दशहरा पे? हमें हर साल दशहरा आता है, हर साल रावण को जलाया जाता है। सुनते आ रहे हैं कि दशहरा जो है ना वो बुराई पर अच्छाई की जीत है। हर साल बुराई आ जाती है? नहीं नहीं आती ना, इंसान बुराइयों का बदला ही है। जहाँ पर इंसान होगा बुराइयाँ रहेंगी वहाँ पर। हम तो जब बचपन थे ना तो जाते थे, वो लकड़ी होती थी वो उठा के ना, अब तो लोग मानते नहीं है, पहले घर ला के रखते थे, अगर वो घर रखते हैं तो आदमी को कभी रात में डर नहीं लगता, उस घर में कभी चोरी नहीं होती। हम तो जब बचपन में लकड़ियाँ उठाया करते थे, अब तो कोई मानता ही नहीं है, बच्चे जाते भी नहीं है। कितने सालों से यहाँ से रावण खरीद रहे हैं? यहाँ से हम 8 से 10-12 साल से। अच्छे लगते हैं ना? कोरोना के बाद, कोरोना के बाद बंद कर दिया था, अब पिछली बार लिया था, इस बार फिर लेने आए। शुक्रिया शुक्रिया। यहाँ पे रावण मेला बनते हैं सारे की सबसे बड़ी मार्केट है, ये सबसे बड़ी मार्केट है ये और यहाँ पे हम रावण बता रहे पीछे से पश्चिम में आपके लिए रावण लेने ही आया है। तो कैसे लगते हैं आके रावण? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ये तो त्यौहार है हो इंडिया का तो अच्छा ही है। क्या दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरा क्यों रावण जलाते हैं? क्यों उसके पीछे कोई मान्यता होगी? बुराई पे अच्छाई की जीत, लेकिन हर साल बुराई आ जाती है। हाँ बुराई पे अच्छाई की जीत है, सबसे बड़ा मैसेज तो यही हम सबको मिलता है ये। और ठीक है एक त्यौहार हम मनाते हैं, इतने सालों से मनाते आ रहे हैं, तो सो के हम जैसे जैसे करेंगे बच्चे भी हमारे वही सीखेंगे ना। बस चलिए शुक्रिया सो मच। अरे दिव्य तो वहाँ क्या देख रही है? अरे यार इतने सारे रावण यहाँ पे जो है इन्होंने बना रखे हैं बांस की लकड़ियों से स्ट्रक्चर बना रखे, मतलब कितना टाइम लगता होगा उन लोगों को बनाने में, और ये जो कपड़े लगा रखे हैं इस पे। दूसरा यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं रावण को ऑलमोस्ट पेंट कर दिया है, यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी है। अब आगे जाके रावण का जो है जितनी बॉडी पार्ट्स होते हैं डिसमेंटल करने के बाद हम जोड़ते हैं उसको, तो अब ये जो है सारा जोड़ेंगे। अब देखिए दिल्ली की जनता या फिर और कहीं की भी जनता है त्यौहार तो अपने तरीके से बनाते हैं, वह चाहते हैं कि हर बार भी त्यौहार जो है एक खूबी तरीके से जो है वो जो है सेलिब्रेट करें। काफी बच्चे जो है आपने कभी देखा होगा मेले में ना, मानसी आपने भी देखा होगा मेले के बच्चे क्या करते हैं कि धनुष का मान ले आते हैं, कभी वो जो थे गदा गदा ले आते हैं, पता नहीं क्या क्या ले आते हैं मेले से। हम भी लेके आते थे जब छोटे थे। आप देख सकते हो बच्चे जो वहाँ रख रख के आ रहे हैं वो दरअसल जो है करेक्टर्स के रिपोर्ट है, चाहे वो रावण पर। यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग जो है खरीदने आ रहे हैं। मेरे पीछे भी दो गाड़ियाँ आके रुकी है जो यहाँ से रावण चाहे तो सोसाइटी के लिए या किसी के लिए भी जो है लेने के लिए आए हैं। और मतलब पूरा अच्छा ये क्या ये मूछें हैं इसकी?
हाँ अच्छा वही। और ये इसकी आई लैशेज है पीछे, पूरा जो है स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है इन्होंने बनाया है। पीछे आइए। अच्छा ये रावण ये जो है दांत नहीं लगे हुए हैं अभी, आई होप ये लगा दे दांत, हंस नहीं पाएगा रावण वरना कह जा रहे हैं। ये रावण तकरीबन मेरे को 40 साल हो बिक्री हो रही है सही? हाँ मालिक की कृपा बिक्री सही हो रही है, लगी बंदी पार दिया मेरी जो काम 40 साल हो गए उनका काम अच्छा हो रहा है तो वो आते हैं ना मेरे पास। अच्छा एक टीचर भी एक दुकान खोल रखी है रावण बनाने वाली, कंपटीशन है? नहीं कंपटीशन नहीं, दोनों एक ही दुकान है। हाँ ये इधर पीछे महेंद्र बैठा हुआ है। हाँ क्या वो दोस्त है आपके? क्या नहीं मेरे बड़े भाई, बड़े भाई है। उन्होंने उनसे सीखा। अच्छा सप्लाई कौन कौन से जगह पे होती है रावणों की? हाँ सप्लाई ये जाते हैं नूर अनवर और जी आपका रिवाड़ी रोहतक भिवाणी और ये इसमें अपना क्या है मंडी से आगे क्या है कुल्लू मनाली 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 जा। अच्छा कितनी अब तक की सबसे बड़ी बिक्री कौन सी हुई है रावण की? सबसे बड़ी बिक्री ये रावण की हुई है जो ये हमारे पास जा रहा है इधर बदरपुर में, और बहुत ही बढ़िया आदमी है, नाइस आदमी है। मैंने ना तो उन्होंने मेरा चेहरा देखा और ना मैंने उनका चेहरा, फर्स्ट बार भी है मेरा आपके द्वारा तो व्हाट्सएप के द्वारा मीडिया के द्वारा तो मेरा सारा वो प्रोग्राम उसमें चलता है यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे और टीवी के अंदर। तो उन्होंने सब ऐसे ही फोन देख के बात की और बात करने के बाद मैंने उनके पुतले बनाए। अच्छा एक रावण बनाने में कितना टाइम लगता है? पूरा स्ट्रक्चर सर से लेकर पैर तक एक रावण का पीस माल नहीं उतारते हम, ये जितने बनाते हैं कि भाई मैंने 71 बनाने या 70 बनाने या 35 बनाने। नहीं नहीं तो ये कह रही हूँ कारीगर, अगर आप कारीगर को सौंप दे तो एक दिन में कितने रावण बनाएंगे? एक दिन में रावण एक एक दिन में तकरीबन ये 5 रावण 2 रावण बना देते जो दिन रात मेहनत करते हैं। अब ये देख लो खाने का टाइम सुबह 7 बजे उठते हैं, ये 15 जने लगे हुए मेरे पास बाहर से आते हैं और मेहनती बहुत है, 11 बजे तक रात के 11 बजे तक काम करते हैं अपने, इनकी अपनी जिम्मेदारी समझ के काम करते हैं और ये तो एक परंपरा चली आ रही है और ये एक हमारी कला है। तो सरकार को भी हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए जैसे औरों को इस तरफ ध्यान देते हैं कला के आर्ट रहेगा तो ये और ये तो जब तक कोई शहरा नहीं मनेगा तो दीपावली का कोई महत्व नहीं है। दीपावली इसलिए मनाई गई थी कि रावण के साथ युद्ध हुआ और उन्होंने अपने सीता को से छुड़वाया, तो जब सीता को घर लेके जा रहे थे तो देसी घी के दीपक जलाए गए तो जब दीपावली मनी थी तो 20 दिन के बाद वो अपने यहाँ घर पहुँचा था अयोध्या में सीता जी को लेके, क्योंकि जो वनवास में था 14 साल कारण वनवास बन काटा तो राम ने बन काटा दुख सहा और फिर भी संसार का ध्यान रखा उन पे कृपा रखी और आज हम इनकी जी रोटी खा रहे हैं। ये बहुत बड़े विद्वान थे, चारों वेद पढ़े थे इन्होंने, तो जिस टाइम इनका अंतिम संस्कार किया गया ना वो जब इनकी मृत्यु हो गई तो लक्ष्मण जी सिर की तरफ खड़े थे और राम श्री राम जी पैरों की तरफ खड़े थे, तो उन्होंने अपने छोटे भाई को आदेश किया कि आप सिर की तरफ ना खड़े हो गए पैरों की तरफ आओ, क्योंकि इसके बगैर ये बहुत बड़े पंडित थे क्योंकि इनके फादर पंडित थे, इनकी माँ थी ना जो वो कंस कुली की थी राक्षस, ये पंडित थे, जो भी यज्ञ होता था ऊपर
तो इनको बुलाया जाता था। लेकिन पंडित तो थे, आप कहते हैं कि बहुत बड़े विद्वान थे, उनको हर वेदों की जो है जानकारी, बहुत बड़े पंडित रहे हैं वो। लेकिन अपराध जो किया था एक स्त्री को अपने घर से उठाकर अपने घर लेके आना, तब भी लोग जो है, काफी लोग जो है मानते नहीं है कि नहीं वो बहुत बड़े विद्वान थे, हो सकता है कोई और मजबूरी रही होगी। नहीं मजबूरी नहीं भाई, जैसे आदेश हुआ था ऊपर से वाल्मीकि जी को, महर्षि वाल्मीकि को आदेश हुआ था ब्रह्मदेव का कि आपने आने वाले समय में जो आपको दिख रहा है वो इसमें रामायण में लिखा। जब ये रामायण बड़ी थी तो उसने आने वाले समय में लिख दिया था कि ऐसे इसकी मृत्यु होगी, सीता द्वारा ये अपहरण करेगा इसका, तो जाके इसकी मृत्यु आएगी। क्योंकि ये भोले जी का बहुत बड़ा भगत था, इसने 930 अग्निकुंड में जो तपस्या कर रहा था, अग्निकुंड में अपने 930 उसके अग्निकुंड में अर्पण किए, वही शीश इसके शीश पे आ जाते थे, गर्दन पे आ जाते थे, तो इसे दशानंद क्या था। अच्छा ये जानकारी काफी कम लोगों को होगी जो उन्होंने बताई अभी। अच्छा एक जानकारी है, ऐसा है जानकारी, मैं बहुत मालिक से दिल की कहता हूँ, जानकारी किसी को है नहीं इतनी, पर मेरे को टाइम नहीं है, ये तो मैं पूरा आपको इतिहास बताता, सृष्टि कब रची थी, किसने रची थी, इनके ऊपर कौन है, ये ब्रह्मदेव विष्णु जी और भोले जी, ब्रह्मदेव है जो आज हिंदुस्तान के अंदर, उसकी मूर्ति कहाँ पे है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप इसका जवाब दो कि ब्रह्मदेव की हिंदुस्तान के अंदर मूर्ति कहाँ पे है, कहीं नहीं, शायद ही होगी कोई, शायद ही कोई पूछता हो, उसके पीछे भी कोई कारण है, कारण है, ब्रह्मदेव की मूर्ति राजस्थान पुष्कर के अंदर है और कहीं पे नहीं, उसकी मूर्ति किसी मंदिर में नहीं है, उसका बहुत बड़ा कारण, आप बेटियां हो मेरी, बच्चे हो आप, ठीक है बेटा, तो ये बहुत बड़ा कारण है। अब इसको काम सौंपा गया था ब्रह्मदेव को, इंसान को बनाना, ठीक, उसके अंदर मन डालना, मन है ना, ये बहुत टेंशन है, पापी है ये मन, और जो आत्मा है, जो ज्योत है, हमारे 9 दरवाजे हैं, 7 दरवाजे हैं और 2 इंद्रिय हो गए बेटा, ठीक, हमारा जो आत्मा निकलती है, जो ज्योत है, कहते हैं वो, मन कहता है कि यार ये बुरा काम कर दे, तो मन वो ब्रह्मदेव करवाता, वो वरदान मांग रहा था रावण के, मेरे को कभी भी मृत्यु ना है, पहले कह नहीं, जो पृथ्वी पे आ गया उसकी मृत्यु तय है, पर तेरी मृत्यु तेरे नाभि के अंदर आएगी, उसको नाभि है ना, तेरी मृत्यु वहाँ होगी, कुंड है वहाँ पे, उस कुंड के अंदर अगर किसी ने कुछ भी किया तो मिट्टी हो, इस चीज को उनका भाई जानकर भविष्य, तो उसको लात मार के भगा दिया गया था पूरे राज्य में अपने महल से, जब उसको भगा दिया तो वो श्री राम के पास गए, उसने अपने गले लगा, जब युद्ध हो रहा था तो उसके काफी पुत्र मारे गए थे, काफी सेना मारी गई, तो रावण आया था, रावण का कहीं पे भी वो मार रहा था ना तो वो मरेगा, तो उसने बताया, कहने गया राम जी इसकी नाभि में तीर मारोगे ना जब इसकी मृत्यु हो, उस चीज को रावण भी जानता था,
रावण ने सारी चीज को बांध रखा था, शनिदेव को डाल के दे बेटा हाथों के डाल के, शनिदेव को आवाज जो है ना वो उसके घर में झाड़ू लगाती तो महलों में सब और काल को अपने पवे के नीचे बांध रखा था। कह रहा काल जब मेरे नीचे है तो मेरे को डर किस है मुझे। अच्छा एक और किस्सा रामायण में हुआ था कि जब युद्ध हो रहा था बिल्कुल चरम सीमा पे था कि या तो आर या तो पार, राम जी उस तरफ थे रावण इस तरफ था, जब कुंभकर्ण को जब युद्ध में भेजा गया तब जो वापस आके वो क्या बोलता रावण से कि अब भी समय है संभल जाओ पहचान लो वो राम है तुम्हारा काल है, वो क्यों नहीं समझा उस दिन वो खुद को हालांकि पता होगा सुनने में आता है कि रावण को भी पता था। पता था हाँ कह रहा मैं क्या उसने गुस्से में कह दिया नहीं मैं नहीं मानता मैं युद्ध करूं, उन्हें कहा था सीता को उसके सुप्रीत कर दे उसके हवाले कर दे और उसे क्षमा मांग दे, क्षमा मांग उससे। कह रहा नहीं रावण नहीं जीतेगा, एक अहंकार है आज हर इंसान में अहंकार है तो वो अहंकार वही रावण है, तभी आज रावण को जलाया जाता है हर एक इंसान में आप में मुझ में इन में सब में रावण है जो कभी ना कभी सामने आ जाता है, गुस्सा आ जाता है ना गुस्सा आता है। हाँ अच्छा रामायण में काफी ऐसे किस्से हैं जो याद रह जाते हैं, एक ऐसा किस्सा बताइए जो आप जो जिसने आपका दिल छू लिया कि हाँ ये चीज जो है काफी मतलब जब उस समय हुई होगी तो कैसा रहा होगा, तो ये ऐसा जो मूवमेंट आपने रामायण अपने बचपन से देखते आ रहे हैं है ना, तीन कैरेक्टर जो हमारे दिल में बसी गए हैं क्या लगता है कौन सा ऐसा जो मूवमेंट रहा था तो तीन कैरेक्टर कौन कौन थे बच्चे नाम तो मुझे भी नहीं याद है नहीं होना चाहिए ना आपको याद, आप पढ़े लिखे हो तो आपको हर चीज की नॉलेज हो। आप बता दीजिए अंकल को भी नहीं याद आ रहा है, याद आ रहा है आपको इस टाइम? मेरे को अपना काम याद आ रहा है, मेरे को काम याद आ रहा है क्योंकि मेरे को 7 तारीख को पुतले देने आज 26, 25, 27, 28 मंगाओगे तेरे को तारीख ही याद नहीं आज क्या तक काम में मगन हो गए हैं अभी मगन नहीं जो चीज जिसकी बुक कर दी उसको टाइम पे मिलनी चाहिए और जो चीज उसने बोली वो बननी चाहिए ठीक, जुबान मेरी जुबान है ना जो मैं यहाँ 40 साल से बैठा हुआ हूँ इसकी अहमियत है मेरी जुबान की कि हाँ सच्चाई से और अच्छा और अच्छाई से और सच्चाई से काम हुआ होता है जो मेरा नाम सतपाल राय है ये मेरे बेटे हैं ये बनाते हैं पुतले, पहले मेरा बड़ा भाई बनाता था तो उसने मेरे को कारीगर दिए मैंने बनाने जा। अच्छा जिस वचन की आप बात कर रहे हैं रामायण में भी एक ऐसा करेक्टर था जिन्होंने वचन को निभाने के लिए जो है अपनी जान तक दे दी, दशरथ राज दशरथ थे अपनी जो है वाइफ को जिन्होंने वादा दिया था कि ये वचन कभी भी मांग लेना, तो उन्होंने वचन वो कब मांगा कि जब भरत को राम को वनवास दिया और भरत को सिंहासन के लिए। लेकिन भरत को एक ऐसा जो है मनुष्य माना जाता है जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया, उन्होंने उसने लालच नहीं किया, लालच नहीं किया, उसने त्याग दिया उसकी को, कहने का मैं इस सीट पे नहीं बैठूंगा ये राम की सीट है, राम यहाँ के राजा है मैं ये सीट। हाँ इसके अलावा उन्होंने खड़ाऊ जो थी उस जगह पे रख दी कि मैं नहीं बैठूंगा मैं जमीन पे बैठूंगा लेकिन ये जगह जो है राम खुद आकर इसको लेंगे यहाँ पे, ये जो भाईचारा था उस वक्त जो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जो अपने राम बड़े भाई राम के प्रति जो इतनी भावना थी, एक बड़े भाई की भावना थी, मान सम्मान करते थे, इज्जत करते थे, एक पिता के समान मानते थे, बाप के समान मानते थे, अभी आज नहीं मानता, नहीं मानते आज कौन मानता है। अब देखिए त्योहार तो हर साल आएंगे, हर साल इनसे धूमधाम से मनाए जाएंगे लेकिन बात ये आती है कि हर साल दशहरा मनाया जाता है तो हर साल बुराई भी आती है, लोगों को ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि हर साल रावण को जलाने के पीछे का मकसद क्या होता है, बुराई पे अच्छाई की जीत, लेकिन हर साल बुराई दस्तक दे ही जाती है और
मानव जो है अपने हाथ मसलता नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे एक बच्चा हमको दिख रहा है जो ब्लॉगिंग कर रहा है, शायद से अपना जो है चैनल से दशहरा के जो है ब्लॉगिंग में। हाँ जी भैया, क्या कर रहे हो? ओ भाई, यहाँ हमारा इंटरव्यू होने वाला है, तो चलो इंटरव्यू यहाँ देख लेता। हाँ बताइए। हाँ जी दीदी, क्या करने आए यहाँ पे? यहाँ ब्लॉग बनाने आए अपने चैनल के लिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? यार रावण की मेकिंग हो रही है, तेल का हो रहा है, रावण बन रहा है। यार सबसे बड़ा रावण कितने फुट का था? या अभी मैं पीछे देख कहता हूँ, उन्होंने को मेरे को बोलता कि 100 फुट का रावण है। फुट का? हाँ, 50 फुट का रावण बन रहा है। तो भाई मेरे को तो सच नहीं पता, अभी पूरा ढंग से बना नहीं है। अब वो 100 का 150 बोले, 200 बोले, वो तो उनके ऊपर है, उनको अपनी पब्लिसिटी तो करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें भी कंटेंट तो चाहिए व्लॉग के। बिल्कुल। अच्छा दशहरा क्यों मनाया जाता है? जब देखो सीता माता को लेके गए थे रावण, तो जब राम जी ने आके उनको मतलब पेट में जब मारा था, तो उसके थ्रू रावण मनाया गया। मतलब जो अच्छाई की जीत के लिए मनाया गया बेसिकली। तो हर साल रावण क्यों बनाया जाता है, क्यों जलाया जाता है? हर साल बुराई आ जाती है? नहीं बुराई नहीं, मतलब एक टाइप से आप समझ सकते हो ना कि जो आपके अंदर की बुराई है वो अभी रावण के थ्रू को जला के खत्म कर रहे हो बेसिकली, ये समझ सकते हो आप। अच्छा जो आपको लुक है ना, ये रैपर वाला लग रहा है, रैपर हो? यो यो यो, कौन सी क्लास में हो? 10th में ब्लॉगिंग स्टार्ट करती है। चल रहा है? अच्छा चल रहा है, बस भगवान भरोसे है, जब जहाँ कंटेंट दिखता है वहाँ चले जाती है। जहाँ कंटेंट, यहाँ पे नाम क्या आपका? नैतिक ग्रोवर, चैनल का नाम है नैतिक ग्रोवर लाइफ। हाँ ये पब्लिसिटी कर रहे हैं अपनी। हाँ तो इस वक्त हम जो है एक और रावण बनाने वाले के यहाँ पे आ गए हैं, जिनका नाम है नितिन ए बल्लू रावण वाले। यहाँ पे काफी सारे जो कारीगर आपको दिख सकते हैं रावण बनाते हुए, आइए इनसे बात करते हैं। जी एक सर का ढांचा बनाने में कितना टाइम लगता? सर का ढांचा ये सारा माल इकट्ठा करता है, तो तकरीबन उसको 3 महीने पहले ही लगते हैं हम राउंड बनाने के लिए। तो मतलब सारा माल इकट्ठा करता है, गर्दन का, हाथ का, पैर का, फिर कुंडले की निकलती है, जब ये चेहरा जुड़ना स्टार्ट होता है। अच्छा दशहरे तक कितने क्या लगता है, कितने रावण कंप्लीट कर लो? दशहरे तक हो जाते हैं कम से कम 50 रावण, 60। 50 हो जाते हैं? हाँ। कितने कारीगर काम करते हैं? कारीगर होते हैं हमारे कम से कम 10 बंदे लगते हैं। 10 बंदे होते हैं? अच्छा आपकी एक दुकान है, एक दुकान वहाँ पे, दो भाइयों की दुकान है सामने। हाँ। तो कंपटीशन है थोड़ा? कंपटीशन तो रहता ही है। हैं? क्या लगता है यहाँ ज्यादा कस्टमर्स आते हैं वहाँ आते हैं? कस्टमर आते ही हैं वैसे ही, जहाँ पे अच्छा लगता है, जहाँ माल अच्छा मिलता है, रावण अच्छे मिलते हैं, तो वहीं। मैंने वहाँ कम से कम 10 बंदों को देख लिया अपने सामने, वहाँ ज्यादा है डिमांड? नहीं माल यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी है, यहाँ मैं लोगों को देख नहीं पा रही। यहाँ पे भी दिन का टाइम है, अभी आ नहीं रहे। हाँ। तो स्टार्ट होंगे, हमारे तो पुराने ग्राहक हैं। अच्छा। लगे बंदे ग्राहक होते हैं हमारे, जो उनको जिनको आना ही है। हाँ। तो हम उतने राउंड बना। अच्छा लगभग कितने फुट के रावण मिल जाते हैं यहाँ पर? हमारे पास 5 फुट से लेके 50 फुट तक राउंड मिलते हैं। 50 फुट तक? वहाँ निकल है 5 फुट से लेकर 100 फुट तक। हाँ ये 60 फिट का राउंड बन रहा है, 100 फिट का राउंड जब बनता है, जब ऑर्डर मिलता है, ये तो मैक्सिमम 50 फिट तो मिलता ही है। सप्लाई कहाँ कहाँ होती है? सप्लाई दिल्ली से बाहर होती है, अभी पिछले महीने हमने वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भेजे रावण, चार रावण भेजे हैं, तो वो पानी के जहाज से गए हैं। अच्छा। यहाँ से गए थे, ट्रक में गए थे, वहाँ से कंटेनर में लोड होके हमने पैकिंग वैकिंग करके अच्छी तरह बबल रैप वगैरह करके, तो हमने वहाँ कंटेनर में जाके फिर उसमें पानी के जहाज से गए हैं। करीबन उन्होंने बताया था हमारे को 45 से 50 दिन लग जाते जाने में। अच्छा महीना बंद तो मान के चलो, महीना तो लग ही जाता है। अच्छा आपकी डिमांड ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई? ऑस्ट्रेलिया तक, ऑस्ट्रेलिया मार को जाते हैं, भेजते रावण कम से कम 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल? 4 रावण जाते हैं हमारे। हाँ हर साल। तो बंदे हुए कस्टमर ही अलग अलग जगह से ऑर्डर आते हैं? जाते हैं यहाँ से 4 रावण है। हाँ। वहाँ पे अलग अलग कंट्रियों में सप्लाई हो जाते हैं। तो वहाँ से भी अलग अलग कंट्री? हाँ वहाँ पे अलग अलग कंट्री में हो जाते हैं। क्या बात है, इनकी जो है डिमांड बाहर की कंट्री उस तक भी है, ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने बताया कि वहाँ पे कम से कम 4 रावण बेचते हैं और जहाज के जरिए जो है वहाँ पहुँचते हैं रावण। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारी जो है बांस की लकड़ियाँ इन्होंने रखी हुई है, जिसको ये साफ कर रहे हैं। उसके बाद ये इधर देखिए, ये इस पिन से जो है इसको बांध रहे हैं ताकि ये खुले ना। ऐसे ही आपको काफी सारे रावण यहाँ दिख जाएंगे। इसके अंदर देखो आप, नाक अलग है, पलके वगैरह है, ये दांत है, फिर ये मूंछ, 3 मूंछ। अच्छा इसमें दांत लगेंगे? हाँ ये दांत लगेंगे, अभी बनेगा ही, अभी बना नहीं है, तैयार कर रहा हूँ उसको। हाँ। मतलब आज ये तैयार हो जाएगा। अच्छा तो पलके वगैरह दी है, आईब्रो वगैरह बनेगी, 3 मूंछ बनेगी इस रावण में, दांत लगेंगे, सींग लगेंगे।
अच्छा ये नहीं लग रहा इस साल हो रहा है कि दांत अलग लग रहे हैं, मुझे इतनी बड़ी बड़ी बन रही है पलके, इतना सजाया जा रहा रावण अलग अलग ये स्पेशल रावण है। ये जनकपुरी के अंदर लगता है। अच्छा जनकपुरी पोसिंगीपुर लगता है ये रावण। अच्छा माथा वगैरह अलग बनाया गया है सब कुछ। काफी सुंदर रावण को सुंदर तैयार कर दिया है इन लोगों ने। आप देख सकते हैं काफी सारे जो है ढांचे इन्होंने बना रखे हैं, जो आगे जाके इन पे जो है पहले अगर हमने वहाँ आपने ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे एक कागज पे ग्लू लगाकर इस पे चिपका रहे थे। ठीक है। अच्छा ये रामलीला में जाते हैं? रामलीला में जाते हैं। जाते हैं हाँ। कितनी बार जा चुके हो रामलीला में? हमारे पास हर साल का ही रहता है, एक दो तीन रावण तो जाते ही रामलीला के लिए। अच्छा एक सवाल पूछती हूँ, तीन पुतलों को जलाया जाता है, तीनों के नाम क्या है? रावण कुंभकर्ण बेगनाथ। अच्छा हर साल रावण क्यों जलाया जाता है, क्या लगता है बार बार बुराई आ जाती है? बुराई के कारण ही होता है ये कि बुराई पे अच्छाई की जीत हो, तो इसलिए रावण जलाया जाता है हर साल रावण जल मरता है और हर साल जिंदा। हर साल क्या लगता है रावण है सब में? रावण सच में है, सब में है, आप में है? रावण हम सभी इंसान, सभी इंसान रावण है। आइए आगे आप जो है एक बच्चे आपको दिख रहे हैं लकड़ी ले जाते, लगता है खुद ही का रावण बनाएंगे। चलिए ये है रावण की बॉडी है जिनको इन्होंने जो है ये तार से इसको जोड़ रखा है, पक्की मजबूती से जोड़ रखा है। वहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सी जो है सर बना रखे है रावण की, और जैसे कि उन भैया ने बताया कि इस पे जो है पलक लगेगी, अभी काफी चीजें लगेगी। रावण को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है, फिर जला दिया जाता है इसको। आइए हाँ जी भैया क्या कर रहे हो? उनसे ही पूछूंगी, आप बता दीजिए क्या ये कर रहे हो? ये चेस्ट, चेस्ट बन रही है, चेस्ट चेस्ट बन रही है। सर कहाँ? सर ये है, सर ये है। कितना टाइम लगता है बनाने में? एक या सारे एक एक बनाने में लग जाते हैं तीन चार दिन लग जाते हैं। मतलब पूरा पेस्टिंग वगैरह फिर उस पर सारा आप ही करते हैं? ये सब नहीं करता कुछ कौन से लेयर्स लगती है रावण पे? इसमें रावण वो डलता। पहले ये ढांचा बना दिया आपने बांस की लकड़ियों से, फिर आप ये लगा देंगे, इसके बाद क्या करेंगे? कलर चढ़ेगा, आप करते हैं कलर? अच्छा ये क्या रखा हुआ है? ये तो अभी तैयार हो रहा है। ये क्या है? ये आते अच्छा एक क्वेश्चन पूछती हूँ, तीन पुतलों में नाम बताइए, तीन पुतलों का जो चलाए जाते हैं, तीन पुतलों का नाम बताइए चलाए जाते हैं। रावण, रावण मेघनाथ, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ। रावण क्यों जलाया जाता है हर साल? रावण क्यों जलाया जाता है हर साल? एक बार तो चला दिया ना राम जी ने, राम उसको मरना ही था राम जी। हाँ तो हर साल क्यों बनाते हैं रावण? हर साल बुराई आ जाती है, मानते हैं सब में रावण है। रावण है, रावण आप रावण है? मैं ये रावण है, मैं ये भाई है, ये भाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन्होंने हाथ भी जो है तैयार कर रखे हैं, ये पहले पेपर काट रहे हैं, उसके ऊपर जो है ये ग्लू लगाएंगे, जिसके बाद ये जो है रावण के ऊपर लगाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मूछें लग रही है रावण की, तो उसकी बड़ी बड़ी मूछें हुआ करती थी ना, गोल गोल, जो आपने रामायण के कभी सीरियल में देखे, कभी पुराने उसमें देखी होगी। हाँ जी भैया कुछ बोल रहे हैं? इसमें आएगा मैम, वॉइस ऑफ इंडिया पे आएगा ये मूछें बन, वॉइस ऑफ इंडिया मूछें बन रही है, ये मूछें हैं। कितनी लेयर बनाओगे इसकी? ये पहली बनेगी, हाँ, फिर एक दूसरी आएगी इधर, हाँ, फिर एक और आएगी तीसरी इधर, तीन मूछें राउंड बनेगा। क्या बात है, नाम क्या आपका? रिक्की। भाई साहब इतने सारे रावण देख के तो मेरा सर ही चकरा गया, रावण 10 सिर लेके घूमता था, मुझसे एक ही नहीं समझ रहा है। ये देखिए अभी ढांचा तैयार कर दिया है, इसमें कागज लग चुके हैं और काफ़ी सारे रावण ये बना चुके हैं। क्या बात है, इतनी मेहनत करते हैं हर साल इनको जलाया जाता है उसी मज़े के साथ मैं कहूँ, या फिर बहुत खुशी के साथ जो है जलाया जाता है, बुराई पे जो है अच्छाई की जीत होती है। एक और रावण वाला यहाँ में दिख गया जो सब अपने कॉम्पिटिशन में लगे, देखें यहाँ पे जो है कम से कम 5 रावण बने दिख रहे हैं, अभी भी वो बना रहे हैं, इसको काट रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी भैया ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? यहाँ पे एक के बाद एक जो है रावण के ढांचे तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पे अलग गुट बना हुआ है, वहाँ पे दो भाइयों का गुट बना हुआ है, हालांकि
जो कंपटीशन है वो हर साल देखने को मिलता है कि कौन सबसे अच्छा रावण बनाएगा और किसकी सबसे ज्यादा बिक्री होगी। मैं कैमरा पर्सन हिमांशु विजय के साथ दिव्या, वॉइस ऑफ इंडिया। वो चलाते हैं। क्या लगता है हर साल दशहरा आते हैं, हर साल रावण को जलाया जाता है, एक बुराई मरी नहीं क्या? नहीं, बुराइयां तो अभी भी हैं, अभी भी लड़कियां छेड़ी जाती हैं, अभी भी रेप हो रहे हैं। तो ये जब तक अपने अंदर की बुराइयां नहीं मारेंगे तब तक रावण खत्म नहीं होगा। जानते हैं रावण को हर साल क्यों जलाया जाता है। रावण जलाना प्रतीक है अपने अंदर और समाज की बुराई को खत्म करने की कोशिश करना। पर हम सब जानते हैं कि बुराई कभी खत्म नहीं हो सकती, पर मानवता तब तक जीवित है जब तक हम बुराई को खत्म करने की कोशिश करते रहें।